पापा 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 कुछ करने के लिए नहीं है पापा, कुछ तो बताओ, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। मेरा कोई दोस्त मेरे साथ नहीं खेलता, 10-10 रुपए मांगते, मेरे पास 10 रुपए नहीं उनके साथ खेलने के लिए। पापा हम लोग क्या करें, हम लोग इतने गरीब क्यों है पापा, कुछ तो बताओ। मेरे बेटे एक दिन सब कुछ बदलेगा और कोई दिक्कत नहीं है, अगर तेरे दोस्त तेरे साथ नहीं खेलते तुम नए दोस्त बना लेना। ठीक है पापा, आप जैसा कह रहे हैं तो यही कर लेंगे। अरे पापा आपके उस बड़े भैया को बुलाओ ना, उसकी बेइज्जती करेंगे, मजा आता है उसकी बेइज्जती करने में। हाँ आपके बड़े भैया को बुलाओ ना, उनकी फैमिली की बेइज्जती करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, उनकी शिकल देखने लायक होती है। ठीक है मेरा भी मन कर रहा है, आज उनको यहाँ बुलाएंगे और उनकी सैमी बहुत ज्यादा बेइज्जती करेंगे और उनकी बेइज्जती कर करके मजा आएगा। अभी बुलाता हूँ मैं मेरी टीवी मैन भैया की फैमिली को, उनके हाथ बहुत बेइज्जती करेंगे। हाँ पापा बहुत ज्यादा मजा आएगा उनकी बेइज्जती कर में। जी सुनते हो, आपके भैया का फोन आ रहा है, पता नहीं क्या कह रहे हैं, फोन उठा लीजिए, परेशान कर दिया उन्होंने हमें। अरे उठा रहा हूँ, तू मत ठावे, तने तो उतना घनी प्रॉब्लम्स है ना। मैं उससे फोन मिला के पूछूं। हाँ हेलो, ये कह रहे मेरा भाई। अरे मैं कह रहा था कि तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आते आज। अरे मैंने जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। अरे मुझे पता है तुम्हें क्या जरूरी काम होता है, जल्दी आओ, हमने एक नया घर खरीदा है, उसमें एक पार्टी रख रहे हैं, तुम्हें दिखाएंगे हमारा नया घर, आ जाओ जल्दी सी। अरे सॉरी ब्रो। अबे तुम मेरे बड़े भैया, प्लीज आ जाओ ना, प्लीज आ जाओ। ठीक है तुम कह रहे हो, आता हूँ, रुको। पापा यार उनके घर नहीं जाएंगे यार, वो अपनी बेइज्जती कर करके भगाते हैं यार, तुम्हें पता है वो कितने गंदे आदमी है। अरे बेटे वो मेरा छोटा भैया है, मुझे उसके लिए इतना करना पड़ता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जा तेरी मम्मी ने बुला ला। मम्मी के पास मेरे को पिटवाओगे आप? मम्मी? अरे पापा बुला रहे हैं, उनके छोटे भैया के पास जाना, वो स्पीकर मैन है ना, उनके पास जाना है। मैं नहीं चाहूँगा उस चुड़ैल के घर पर, वो मेरी बेइज्जती करती है, अपना परफ्यूम अपना पाउडर दिखा के मेरे को चिढ़ाती है, वो मैं नहीं जाऊंगी। चलो चलो आज हम लोग बाहर जा रहे हैं भाई घूमने के लिए। अरे काहे का घूमना, आपका भैया हमारी बेइज्जती इतनी करता है ना। हाँ मम्मी सही कह रही है एकदम। ओ बैठो बैठो, मुंह मत बनाया करो दूसरे घर जाते वक्त। अरे मैं कहाँ बैठू अब? अरे इसको गोदी में ले लो और कहाँ बैठोगी। अरे कैसे फुसफुस आके जा रहे। मम्मी थोड़ा उधर हो ना, मेरे ऊपर क्यों बैठ गई आप? अरे चुप कर, गाड़ी छोटी है और ऊपर से वो लोग इतनी बेइज्जती करेंगे, पता नहीं है वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। तुम टेंशन मत लो, मैंने जो तुम लोगों को सिखाया है ना, जो प्लान बनाया है, अगर आज वो हमारी बेइज्जती करते हैं तो वो बस प्लान के अकॉर्डिंग करना तुम काम। मम्मी मेरे को लगता है मेरे पैर टूट गए। मम्मी अरे बस पहुँच गए, चुप कर, यही करे क्या? अरे मैं आगे जा रहा था, ये घर लिया है क्या इसने, बहुत बड़ा घर है। आ गए देखो हमारे बड़े भैया आ गए, भाभी जी राम राम। अरे राम 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 राम। अरे भाभी जी की नहीं लेके आए क्या? अरे आ रही मम्मी, बाहर आओ। अरे तुम लोग आ गए, अरे तुम तो कैसे छोटी सी गाड़ी में फसफुसा के आते हो पता ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, हमें आदत है छोटी गाड़ी में घूमने की। अरे वो तो सिंपल सी बात है, छोटे लोग तो छोटी गाड़ी में ही घूमेंगे ना। पापा अब इसको देख लो, ये फिर बकवास कर रहा है, मैंने आपको पहले बोला था मैं यहाँ नहीं आना चाहता। अरे 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 क्या बात कर रहे हो मेरे बेबी, ऐसे बातें नहीं करते, वो तेरे ताऊ के लड़के हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है मम्मी, ठीक है। अरे हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक काम करो, घर क्यों नहीं घूमते हमारा नया घर। अरे मेरी बीवी बच्चों क्या कर रहे हो, जल्दी से घुमा के लाओ इनको घर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी घुमा के लाते हैं। आइए भाभी जी आपको हम अपना नया घर दिखाते हैं, वैसे हमने बहुत महंगा बनवाया ये घर। हाँ मुझे दिख रहा है, हाँ हाँ आइए आइए, देखिए यहाँ से हमारी ये सीढ़ियाँ नहीं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेड है, इनकी डेली सफाई होती है। हाँ मुझे पता है। आइए आइए आपको मैं ऊपर जाके अपना पूरा घर दिखाती हूँ, हमारा घर से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, देखिए यहाँ पर ये हमने प्लांटेशन कर रखी है यहाँ पर। अरे भाभी जी आप वहाँ क्या कर रही है, आपको पता है कितने महंगे पेड़ पौधे, आप इनके ऊपर खड़ी है टूट जाएंगे। लो फिर से शुरू हो गई इसकी बकवास, मैं आज इसको छोड़ूंगी नहीं, अगर आज इसने मेरा दिमाग खराब किया तो मैं सच बता रही हूँ। अरे भाभी जी आप बाहर क्यों खड़ी है, चलिए आपको मैं अपने इम्पोर्टेड घर दिखाती हूँ, ये बहुत महंगा घर है, देखिए ये दरवाजे भी बहुत ज्यादा महंगे, अंदर आइए। हाँ बोलिए, देखिए यहाँ पर ये हमारा किचन है और ये देखो किचन के अंदर एसी लग रही है, हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से सारी लाइट्स बंद कर सकते हैं और यहाँ से सारे कर्टेन भी बंद कर सकते हैं और यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल भी कर सकते हैं। अरे मैं किससे बात कर रही हूँ, आपके घर में तो पंखा तक नहीं है, ये स्मार्ट कंट्रोलर तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है।
दिखाती है, आपके समझ के बाहर है। मैं मम्मी कसम खा रही हूँ, इसको छोड़ूंगी नहीं चुड़ैल को। आइए भाभी जी इधर आइए। हाँ बोलिए बोलिए। ये देखिए ये हमारा किचन है, किचन एरिया। और ये देखिए इंडक्शन चूल्हा है ना अच्छे। अरे मैं तो भूल गई थी, आपके घर में तो किचन ही नहीं है। छी छी छी, चले छोड़िए, ये भी आपके काम की चीज नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी डाइनिंग टेबल, और ये जो कांच देख रही है ना आप, ये कोई नॉर्मल कांच नहीं है, ये बहुत महंगा कांच है। और ये कुर्सियाँ देखिए, और ये लैपटॉप देखिए। अरे मैं भी क्या बात कर रही हूँ, आपको तो इन चीजों के बारे में पता भी नहीं होगा ना। आपके घर में तो किचन भी नहीं है, खाना तो आप जमीन पे बैठ के खाती। मैं भूल जाती हूँ, माफ करना मेरे को बहुत ज्यादा, मैं कितनी पागल होती जा रही हूँ डे बाई डे। आइए भाभी जी आपको मैं अपना घर और दिखाती हूँ, आप आगे आ जाइए। देखिए यहाँ पर कितनी मस्त डेकोरेशन है। चुड़ैल आज तू बोल जितनी बोल सकती है, आज मैं तेरा टकला फोड़ दूंगी। अरे भाभी जी जरा देखिए हमने यहाँ पर बैम्बूज लगा रखे है। अरे हाँ बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं आपके बैम्बूज, बहुत अच्छे। भाभी जी यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये सोफा सेट देख रही ना, ये भी बिल्कुल प्रीमियम लेदर का होता है, लेदर का वो है, ये लेदर का बनवाया है। और यहाँ पर टीवी देखिए, अरे आपके घर में तो टीवी नहीं है ना, आपके पास पैसे ही नहीं है टीवी लगवाने के, मैं भूल जाती हूँ। और यहाँ देखिए कितनी मस्त वाली डेकोरेशन है यहाँ से पूरा, और यहाँ से देखिए हाँ पूरा का पूरा बाहर का सीन दिखता है पूरा लॉस सैंटोस। आपके वहाँ तो पट्टियाँ दिखती होगी ना कुत्तों की, आपका घर जमीन पे जो है। मैं भूल जाती हूँ, मुझे फिर से माफ करना, मैं बहुत ज्यादा नोटी हो रही हूँ आजकल। मेरे बेटे क्या कर रहा है तू यहाँ खड़ा खड़ा, चल अपने ताऊ के लड़के को छोरे को अपना घर दिखा, दिखा तेरे महंगे महंगे खिलौने, जाओ जाओ खेलो तुम लोग, खेलो खेलो। अरे बच्चे तो खेलते रहते है ना। अरे मैंने देखा नहीं तुमने ये गाड़ी 10 साल से ले रखी है, पर ये कितनी अच्छी कंडीशन में है, शायद तुम इसको चलाते ही नहीं हो, शायद तुम्हारे पास तेल ही नहीं होता गाड़ी में, है ना, पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास। हाँ तुम सही कह रहे हो, पैसे नहीं होते ना तेल भरवाने के लिए, से मैं कम चलाता हूँ। अरे वो छोड़ो, देखो तुम्हें अपनी नई नई गाड़ियाँ दिखाता हूँ, यहाँ आओ देखो देखो ये गाड़ी देखो, ये मैंने 2 दिन पहले ही दुबई से मंगाई है, कैसी अच्छी लग रही है, पता है कौन सी ब्रांड है? मुझे नहीं पता ये कौन सी ब्रांड है। वो मैं भूल गया था, तुम इतनी खटारा गाड़ी चलाते हो, तुम्हें गाड़ियों के बारे में क्या ही नॉलेज होगी। और यहाँ देखो ये वाली गाड़ी देख रहे हो, इसका इंटीरियर देखने पर तुम, कैसा इंटीरियर देखो, है ना मस्त एकदम, ये तो कुछ भी प्रीमियम नहीं है। मैं तेरे को और दिखाता हूँ, देखो मैंने कुछ नई गाड़ियाँ और ली है। मुझे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे। अरे नहीं 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 देखो तो यहाँ देख गैराज, ये देखो तुम्हारे घर में ऐसे गैराज, देखो कैसे ऑटोमेटिक ओपन हो जाते, कितने ज्यादा मस्त, है ना बढ़िया। हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आओ आओ चलो तुम्हें और गाड़ियाँ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो यहाँ पर मैंने मेरे गाड़ियों खातर भी एसी लगवा रखा है, सोच रहे हो गाड़ियों के लिए एसी? अरे तुम तो खुद के लिए एसी नहीं लगवा सकते, गाड़ियों के लिए क्या एसी लगाओगे, चलो मजाक था मजाक था। ये देखो ये गाड़ियाँ देख रहे हो मेरी, इनकी कलेक्शन पता है कितने की है, करोड़ों में करोड़ों में। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा करोड़ में कितने जीरो होते हैं, मैं भूल जाता हूँ ना, तुम तो एक नंबर के फकीर हो ना, गरीब। भाई कैसे गरीब हो यार तुम, सही गरीब। अरे चलो 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 चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। चलो तुम्हें और आगे दिखाता हूँ, और आगे दिखाता हूँ। ओ वाओ तुम्हारे घर में स्विमिंग पूल भी है, ओ माय गॉड। अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने हमारा स्विमिंग पूल गंदा कर दिया, तुम्हें पता है ये कितना महंगा स्विमिंग पूल है, बाहर निकलो पानी में से जल्दी, मम्मी इसने सारा पानी गंदा कर दिया। अरे यार तू कैसी बात कर रहा है यार, मैं तेरा दोस्त हूँ यार, तूने जब तो मेरे को यहाँ बुलाया है। अरे नहीं हमने तो तुम्हें यहाँ पर चिढ़ाने के लिए बुलाया है, अब देखो यहाँ पर, चलो मैं तुम कुछ भी टच मत करना, यहाँ पर सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम तो गरीब हो तुम्हें क्या पता। चलो मैं तुम्हें मेरा घर दिखाता हूँ, यहाँ देखो ये हमारा स्विमिंग पूल और ये बहुत महंगा है सेमी, और देखो इधर आओ तुम्हें दिखाता हूँ, ये हमारा स्टीम बाथ है। अरे चलो तुम्हें तो पता भी नहीं होगा आखिर स्टीम बाथ होता क्या है, तुम तो गरीब हो ना, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता होगा। बस मेरे को यही चीज बहुत गंदी लगती है, मैं इसलिए पापा को मना कर रहा था कि यहाँ पर मत आइए, ये लोग हमेशा हमेशा नीचा दिखाते हैं। अरे देखो देखो यहाँ पर हमारे घर के अंदर स्विमिंग पूल को कंट्रोल करने के लिए भी टेम्परेचर लगा रखी है, मतलब इसका पानी हम गर्म ठंडा भी कर सकते हैं। अरे तुम्हारे घर में तो पानी भी नहीं आता होगा ना नहाने के लिए, दूसरों घर में जाके नहाते होगे, गरीब हो ना तुम लोग बहुत ज्यादा। यहाँ देखो हमारे घर में हम सबके लिए अलग अलग शैम्पू है, हम शैम्पू से हाथ धोते, और ये शैम्पू बहुत महंगा आता है, तुम्हारे घर में तो शैम्पू भी नहीं होगा। चलो छोड़ो छोड़ो मैं भी किन गरीबों से बात कर रहा हूँ, यहाँ देखो शैम्पेन,
यहाँ पर मेरे पापा महंगी महंगी शैंपेन पीते हैं और महंगी महंगी कोल्ड ड्रिंक्स भी है। अरे तुम ज्यादा पास मत आओ इन चीजों के, तुम चोर हो, तुम चुरा लोगे। मेरी मम्मी ने बताया था कि तुम लोग गरीब हो तो तुम कुछ भी चुरा सकते हो, एक नंबर के फकीर। पता नहीं इनको क्यों बुलाया है यहाँ पर। देखो यहाँ पर आओ, ये असल में पार्कोर एरिया है, यहाँ पर हम लोग पार्कोर करते हैं। ये तो मेरे वहां पर भी है। अरे वो तो तुम क्या कहते हैं खेतों में कूदते हो पागलों की तरह। दूसरों खेत ये हमारा पर्सनल है, तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। पार्कोर के नाम पे पहाड़ों के अंदर घूमते हो पागलों की तरह। ये देखो ये होता है पार्कोर, है ना। अच्छा कितना मस्त लग रहा है। चलो तुम्हें मैं अपनी गाड़ियां दिखाता हूँ, पीछे चलो नीचे। वाओ तुम्हारे पास कितनी बड़ी रिमोट कंट्रोल गाड़ी है और तुम्हारे पास यहाँ पर एटीवी भी है। ओ वो तो देखो कितना ज्यादा मस्त है यार। ये मॉन्स्टर ट्रक छोटे वाला यार, ये तो मेरा सपना है, इसको लेना। अरे भाभी जी आप पहले ही आ गई, आपको पता है ना हमारे घर पर बहुत ज्यादा महंगी महंगी चीजें हैं। आप मेरे साथ साथ घूमिए, कुछ कुछ चोरी वोरी हो गया तो आप चोर से भी कम नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? अरे भाभी जी कुछ नहीं कुछ नहीं, देखिए देखिए यहाँ पर ये हमारा बेडरूम हो गया, यहाँ पर मैं और आपके भाई साहब जी सोते हैं रात को। देखिए और यहाँ से कितना अच्छा व्यू आता है, और ये कोई नॉर्मल नहीं है। देखो मैं कल जाके ही डायमंड खरीद के लाई थी, देखिए बैग भर रखे मैंने डायमंड से। अरे सॉरी आपके घर में तो चांदी भी नहीं होगा, डायमंड तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर एप्पल का, आपने तो नाम ही नहीं सुना होगा एप्पल का, कभी नहीं सुना होगा बाबू जी, आपके पास तो एंड्रॉइड भी नहीं है। छी और ये देखिए यहाँ पर एक बटन दबाती और ये देखिए हमारा वार्डरोब कितना सुंदर, कितने महंगे महंगे कपड़े हैं यहाँ पर, है ना। इधर आइए अंदर आके देखिए एक बार। हाँ देखिए कितना सुंदर, बहुत ही सब कुछ सुंदर। हाँ बहुत सुंदर है सब कुछ। उड़ा ले बेटा, कितना मजाक उड़ा सकता है आज, जितना उड़ा सकता है उड़ा ले बेटा। आज तेरा आखिरी दिन है, मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ आज। ओह माय गॉड क्या क्या चीज हुई। ये देखो यहाँ पर भाई, यहाँ पर गो कार्ट भी है, इसको चला के देखता हूँ। ओ भाई कितनी ज्यादा मस्त है, यहाँ पर तो मैं सुबह से शाम तक चला सकता हूँ और यहीं से नीचे ले जा सकता हूँ और भाई इसको वहाँ पर घुमा सकता हूँ बल्ले बल्ले। अरे क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो? उतरो उतरो भिखारी, मेरी गाड़ी में से उतर उतर जल्दी। अरे यार भिखारी कहीं के मेरी गाड़ी को गंदा कर दिया, मेरी प्यारी गाड़ी, तुमने मेरी प्यारी गाड़ी को गंदा कर दिया गरीब कहीं के भिखारी। बहुत हो गया इसका, मम्मी ने जो बोला था आज इनका काम खत्म करते हैं, ये हमें बुला के हमारे से बेइज्जती करते हैं। तेरी ऐसी चीजें ले, मम्मी ने बोला तुझे मार डालूंगा मैं। बहुत देर हो गई चुड़ैल तेरी सुनते सुनते, मैं यहाँ इसलिए ही नहीं आना चाहती थी। मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, ये ले हराम शादी, ये ले तूने मेरी बेइज्जती की मेरे परिवार की। बहुत हो गया, तूने मेरे को बहुत नीचा दिखा लिया, जैसा बोला वही करूंगा मैं सालो। तुम्हारे घर में आना खराब है, तुम मुझे क्यों बुलाते हो यहाँ पर मेरी बेइज्जती करने के लिए, ये लो। आखिरकार मेरे मन को शांति मिली, इतनी बेइज्जती मुझसे सही नहीं गई, आज से ये घर हमारा हुआ। आज से स्पीकर मैन का घर हमने ले लिया, बहुत इन्होंने गरीब गरीब फकीर फकीर बोल लिया हमें, और आज से ये घर हमारा है। आज के लिए बस इतना ही। मम्मी जैसा बोला मैंने इनको मार डाला। तो कैसे अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूले भटके आए तो सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे इसको नई गेम प्ले में। जब तक लिए सायोनारा। We're just getting started, I know that you want it, baby, just get on it, ready to